गाइस मेरे चैनल पर आपको आप जानते ही हैं बहुत ज्यादा होम रेमेडीज देखने को मिलेंगी। जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं गो गाइस, इसमें नेचुरल होममेड शैम्पूज हैं, बहुत सारे टोनर्स हैं मैंने बनाए हैं, सोप भी बनाया है घर में सोप, और ऊपर से बॉडी वॉश भी बनाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नेचुरल है, 100% नेचुरल है और आपकी बॉडी के लिए आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, वो सब मैंने अपने चैनल पे बनाई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे मैं यहाँ पे आपको आई कार्ड में दे देती हूँ लिंक, आप देख लीजिए मजे से। सो गाइस आज भी मैं लेकर आई हूँ एक और होम मेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट ऐसा है कि भाई उसके बिना तो हम रह नहीं सकते, दैट इज रोज वाटर। रोज वाटर, गुलाब का पानी, गुलाब जल, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मेरे एवरीडे रूटीन में गुलाब जल का एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है वो। बट गाइज मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो रोज वाटर है जो हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, कि कितने से कितने भी अच्छी कंपनी का क्यों ना होगा, उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बहुत सारे। तो अगर हम चाहें कि हम ऐसा रोज वाटर बनाएं जिसमें वो प्रिजर्वेटिव ना हो और जो बिल्कुल नेचुरल हमारे स्किन के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव के नाम पे आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस होती है, और आप देखेंगे अगर आप रोज़ वाटर लेते हैं तो वो उसकी एक्सपायरी डेट अराउंड 3 साल तक होती है। तो अगर कोई भी चीज़ इतने टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं दिस मीन्स कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है। बट मेरा जो रोज वाटर है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो उसमें प्रिजर्वेटिव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बल्कि उसका तरह जो कलर आएगा, बिकॉज नॉर्मली मार्केट के रोज वाटर ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन मेरा रोज वाटर का कलर होगा वो कलर भी नेचुरल होगा, और उसमें जो फ्रेग्रेंस है एक्चुअली गुलाबों की खुशबू उस रोज वाटर में आप महसूस करेंगे, और वो भी दोनों चीज़ें बिल्कुल नेचुरल है, इतनी बढ़िया वो रोज वाटर बना है। गाइस वीडियो देखने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, आजकल बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पे कमेंट आ रहा है कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच रही। गाइस बिकॉज यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोड है इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, सभी चैनल ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो गाइस शाम के 6 बजे का समय सुरसुट के लिए निकाल लो यार, मेरे वीडियोज़ अब तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीडे मैं एक वीडियो डाल रही हूँ, सो टू चेक आउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शाम के 6 बजे शाम की चाय मेरे साथ। तो आई नो आप काफी एक्साइटेड हो रहे होंगे ये रोज वाटर देखने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि ये रोज वाटर हमने बनाया कैसे। सो गाइज बनाते हैं हम अपना बढ़िया सा रोज वाटर, नेचुरल रोज वाटर, और इसके लिए चाहिए हमें रोजेज यानी कि गुलाब। बट एक चीज का ध्यान रखें, इसमें जो गुलाब लेना है हमें वो देसी गुलाब लेना है। तो जब भी आप दुकान वालों के जाएं, दुकानदार के, उनसे बोलिएगा कि देसी गुलाब लेना है, क्योंकि उसमें उससे जो रोज वाटर बनेगा ना आपका वो बहुत ही औसम बनने वाला है, बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। और उसके बाद हमें चाहिए पानी, पानी आप उतना लेंगे जितना आपको रोज वाटर बनाना है, जितनी क्वांटिटी उससे 1.5 गुना ज़्यादा, यानी कि अगर 100 ml बनाना है तो 150 ml आपको पानी लेना है। अब एक पैन लेंगे हम साफ सा, और इसके अंदर हम डालेंगे हम अपना पानी और अच्छे से, और ये पानी जो है इसको अच्छे से हमें गर्म करना है, बॉईल करना है। अच्छा पानी जो लेना है वो डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं, और सबसे बढ़िया रोज़ वाटर बिस्लरी के पानी से बनेगा, बिल्कुल मिनरल वाटर लेंगे तो वो जो रोज़ वाटर बनेगा उसको स्टोर करना और भी लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर जो घर में हम पीते हैं वो ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम अपने प्यारे प्यारे गुलाब के पेटल्स, यार कितने प्यारे लगते हैं, आई जस्ट लव रोजेज, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस गुलाब जल तो बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट मेरा है हर एक स्किन केयर में। सो ये सारे जो गुलाब के, अब आप देख सकते हैं गुलाब जो है वो अपना रंग उसका चेंज हो रहा है, जो मैंने इसमें डाले हैं धीरे धीरे आप देखिएगा इसमें चेंजेस। इसको अच्छे से पहले तेज़ आंच पे 1 मिनट तक बॉईल करना है, और उसके बाद आंच को धीमा करके 5 मिनट तक इसको अच्छे से बॉईल होने दें। देखिए गाइज अब ये 5 मिनट तक बॉईल हो गया है, नाउ यू कैन सी द चेंज इन द रोज वाटर, जो पानी है उसका रंग आ गया है, सारे गुलाब का जो रंग है वो पानी में मिक्स हो गया, मतलब इतना बढ़िया है ना। तो इसका मतलब इसका सारा असर इसमें आ गया है। अब इसको ढक के रख दें अराउंड जब तक ये ठंडा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये ठंडा हो गया, और हमारा पूरा जो पानी है उसका कलर उसका टेक्सचर सब चेंज हो गया है। अब एक अच्छी सी स्प्रे वाली बॉटल मैंने इसमें ली है, और ये एक कीप रखे हैं उसके ऊपर, और हमारे रोज वाटर को छानना है उसका। सो गाइज रेडी हो गया है हमारा रोज वाटर, आप इसका कलर देखो यार कितना प्यारा कलर, जस्ट लव दिस कलर। और ये नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल रोज वाटर हमारा रेडी है हर एक चीज के लिए, जो भी हम करना चाहें।
सो गाइज कैसा लगा मेरा रोज वाटर? गाइज इस रोज वाटर के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको डेली बेसिस पे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इस रोज वाटर को डेली बेसिस पे आप कैसे स्किन केयर में अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, नीचे कमेंट जरूर करना है। एंड मुझे बहुत खुशी होगी वो वीडियो आपके लिए बनाकर। एंड डू मेक दिस वीडियो एंड डू मेक दिस रोज वाटर एट होम गाइज, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं आपको, मतलब क्योंकि मेरे जो रेमेडीज होती हैं रियली बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और रोज वाटर बहुत ही अच्छा होता है मेरी स्किन के लिए। आपको कुछ नहीं करना, तो जो मैंने जिस बॉटल में उसको निकाला था वो एक स्प्रे बॉटल है, तो उससे मैं एवरी डे उस पर अपने फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ। अब एक सवाल आएगा कि इसकी जो लाइफ शेल है वो कितनी है। गाइज ये इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए आप इसको फ्रिज में अगर आप इसको रखते हैं तो आराम से 10-15 दिन वो चल जाता है, वो खराब नहीं होता। बाहर रखने में एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चल पाएगा वो, सो मेक श्योर आप इसे फ्रिज में रखें। और अभी सर्दियां आएंगी तो ये आराम से 20 दिन तक चलता है, बिकॉज अभी थोड़ा सा मौसम गर्म है, इसलिए मैंने उसके हिसाब से बताया है। सो दिस इज सो नाइस। और आप चाहें तो इस रोज वाटर के क्यूब्स भी बना सकते हैं, आइस क्यूब, और उसको भी फेस पे रब कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहेंगी। फ्रीजर में रख दीजिए इसको किसी कंटेनर में डालकर और उसको फेस पे लगाएं, उससे फेस बहुत अच्छा हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई होम मेड रोज वाटर। और अगर ऐसा ही कोई स्किन केयर प्रोडक्ट आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं तो भी नीचे कमेंट जरूर करें। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक दोस्तों मुस्कुराते रहें, चिल आउट रहें, मस्त रहें, हमसे जुड़े रहें। टेक केयर, बाय बाय। सो गाइज अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो किसी भी रेक्टेंगल पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरी फोटो पे क्लिक करें और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें।